बानी जामे निज़ामिया हैदराबाद, फजीलत जंग हज़रत अनवारुल्ला फारूकी रहमतुल्लाही अलैह के उर्स सरापा के मौके पर यादगीर शहर के बैतुल माल फंक्शन हॉल गच्ची बाउली में जश्न शेखुल इस्लाम व जलसा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मुनक़िद किया गया है। ये जलसा बतारीख़ 21 दिसंबर बरोज़ चहारशंबा बवक्त बाद नमाज मगरिब मुनक़िद होगा। मौलाना हाफिज़ ख़ारी सादिक़ हुसैन निज़ामी नक्शबंदी ख़तीब इमाम मस्जिद चौक हुसैनी आलम यादगीर मौलाना हाफिज़ नदीम सगरी निज़ामी नक्शबंदी ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जश्न शेखुल इस्लाम व जलसा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को कामयाब बनाने और अपनी मालूमात में इजाफा करने की अपील की है। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। यादगीर से एटीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। आप हजरात को ये इत्तला देता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी शहर यादगीर में बानी जामिया आलिह रहमत रिजवान के उर्से सरापा के मौके पर जलसाए जश्न शेखुल इस्लाम व तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मुनाक़िद किया गया है, जिसकी सदारत अलहाज लायक हुसैन साहब सदर तंजीमुल मुस्लिमीन व बैतुल माल यादगीर फरमाएंगे और मेहमानान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैयशा अज़ीज़ुल्ला क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया फरमाएंगे। दूसरे आलिम जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब क़ादरी उबानी मोहतमिम अनवार ताहिरिया फरमाएंगे। बतारीख 21 दिसंबर बरोज़ चारशुम्बा बाद नमाज़ मगरिब फौरन बमकाम बैतुल माल फंक्शन हॉल गच्ची बौली यादगीर। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस जलसे में ज़रूर शिरकत फरमा कर जलसे को कामयाब बनाए। तमाम शहरयानी यादगीर को ये इत्तला दी जाती है कि बरोज़ चारशुम्बा 21 दिसंबर 2022 बमकाम बैतुल माल में एक जलसा मुनाक़िद किया गया है। बवक्त बाद नमाज मगरिब जो है इस जलसे को मुनाक़िद किया गया है। इसमें मुखातब करने के लिए हज़रत सैयद शाह अज़ीज़ुल्ला क़ादरी साहब क़िबला नायब साबिक़ शेखुल माक़ूलात जामे निज़ामिया तशरीफ़ ला रहे हैं, जो के बड़े वली कामिल और सूफ़ी बासफ़ा है। श्री बयान बेहतरीन अंदाज़ में बयान करते हैं और दूसरी मुफ्ती मोहम्मद हनीफ क़ादरी साहब भी जो है तशरीफ़ ला रहे हैं। अब तमाम हजरात से जो है अदबन गुजारिश है कि इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमा कर सवाब दारीन हासिल करें। बरोज़ चारशंबा 21 दिसंबर बाद नमाज मगरिब जलसा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व जश्न शेखुल इस्लाम बानी जामिया इमाम अनवारुल्ला फारूक़ी फ़ज़ीलत जंग रहमत रिजवान मुनक़िद है, जिसमें जलसे से मुखातिब करने के लिए वली कामिल मौलाना अज़ीज़ुल्ला क़ादरी साहब मुजद्दीदी नायब साबिक़ शेखुल माक़ूलात जामिया निज़ामिया तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनका उनवान है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में बानी जामिया का किरदार, और उनके साथ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ क़ादरी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं और जिनका उनवान है बानी जामिया आलमगीर शख्सियत। इस उनवान से इस जलसे को मुखातिब किया जाएगा और इस जलसे में औरतों के लिए ख़वातीन के लिए पर्दे का अहतमाम भी किया गया है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि जलसे में शिरकत फरमा कर इस जलसे को कामयाब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसलमाना ने दखन पर दो फारूकी शहजादों का एहसान अज़ीम है। शहजादा फारूक आज़म हज़रत सैदना मोहम्मद महमूद सूफ़ी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाही अलैह सगर शरीफ तालका शाहपुर ज़िला यादगीर, जो मुजाहिद आज़म है, फ़ातह दखन है। हज़रत सूफ़ी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाही अलैह के दखन फ़तह करने के बाद ही दखन में औलिया इकराम के काफिलों की आमद शुरू हुई और तबलीग इस्लाम की राहें हमवार हुईं। शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया हज़रत अनवारुल्ला फारूकी रहमतुल्लाह अलैह भी शहज़ादा फारूक आज़म है, जिन्होंने दखन में दीन की इशाअत के लिए अजीम कारहाई नुमाया अंजाम दिए।
इन दोनों फारूकी शहजादों की अजीम खिदमात को मुसलमानाने दखन कभी फरामोश नहीं कर सकते। बानी जामे निज़ामिया हज़रत अनवारुल्ला फारूकी के उर्स शरीफ के मौके पर यादगीर शहर में 21 दिसंबर बरोज़ चारशंबा बवक्त बाद नमाज मगरिब बैतुल माल फंक्शन हॉल गच्ची बौली में जश्न शेखुल इस्लाम व जलसा खत्म नबूवत मुनक़िद किया गया है। ये जश्न और जलसा नहायत अहमियत के हामिल है। बानी जामे निज़ामिया शेखुल इस्लाम हज़रत अनवारुल्ला फारूकी की अजीम खिदमात और उनकी अबकरी शख्सियत से वाकिफ होने के लिए और मसले खत्म नबूवत के बारे में जानने के लिए मुसलमानों ने यादगीर को कसीर तादाद में जश्न शेखुल इस्लाम व जलसा खत्म नबूवत में शिरकत करना चाहिए। बिलखसूस खत्म नबूवत का मसला नहायत हसास मसला है, इसलिए इस जलसे को कामयाब बनाना बेहद ज़रूरी है। आमतुल मुस्लिमीन से मेरी गुजारिश है कि जश्न शेखुल इस्लाम व जलसा खत्म नबूवत में कसीर तादाद में शिरकत करें। ख्वातीन के लिए पर्दे का नज़्म किया गया है, इसलिए ख्वातीन को भी अपने साथ ज़रूर लाएं। दीनी इज्तिमाआत व जलसों में हमारी ख्वातीन की शिरकत ज़रूरी है ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो सकें।